पूरा पानी हजार हजार के संख्या में पानी नहीं, यहाँ पे मदेसी लोग जो थे पिछले करीब एक डेढ़ महीने से बैठे हुए, तो उनको जो है नेपाल साइड से हटाया गया है, नेपाल साइड से कार्रवाई की गई है। तो उसके बाद से आज सुबह से गाड़ियाँ आ रही हैं और इधर में तो कोई दिक्कत है नहीं, इधर पुलिस वाले भी और एसएसपी वाले ये प्रशासन लोग हैं लगे हुए। तीन महीने हो गए यहाँ नेपाल में आए हुए, फंस गए थे जाम के कारण। आज हम इंडिया में बहुत आके खुशी हुए हैं, जा रहे अपना परिवार से मिलने के लिए। बहुत हमें सुखी खुशी हो रहा इस बात सुन के कि आज जो बॉर्डर खुल गया है। फिर सुबह में एक बैग लोग सोए हुए थे 5 बजे के करीब करीब में, 4:45 बजे। इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा की तादाद में नेपाली फोर्स यहाँ आया, बंदूक लेके आया, लाठी लेकर के आया, वो सशस्त्र फोर्स था। आकर के शुरू से ही टेंट में जो सोए हुए लोग थे उन लोगों को लात से और लाठियों से मारने लगे, मारते हुए भगाने लगे और इस तरह से जो है टेंट तोड़ने लगे। जितना बैनर था उस सबको तोड़ा और आग लगा दिया वहाँ पे। कितने का मोबाइल वहीं पे छूट गया, किसी का पैंट कपड़े छूट गए, कितने का जूते चप्पल छूट गए। Thank you.